Dear students in this lecture we will discuss about the magnetic properties of transition metal complexes and uh, in this especially we will discuss about the origin of magnetic properties and classical theory of magnetism तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशली कि कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट होती हैं किसी भी सब्सटेंस में एंड मैग्नेटिज्म की क्लासिकल थ्योरी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देट आर रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आप Uh, उससे जानकारी मिल जाएगी आपको कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एंड हाउ कैन वी मेज़र द मैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली हम कैसे मैग्नेटिज्म को मेज़र कर सकते हैं या फिर हम कैसे मैग्नेटिज़्म को कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी जानकारी हमें इस लेक्चर को पढ़ के मिलेंगी तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है सो so, अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस को लें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं सो so, इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे और अगर हम उस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो किस वजह से होता है दिस मैग्नेटिक फील्ड जो जेनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है स्पिन और एक हो सकता है ऑर्बिटल तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सो दीज डायग्राम्स दे आर शोइंग स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी स्पिन के चारों ओर अपनी एक्सिस के चारों ओर स्पिन कर रहा है तो ये इसका स्पिन मोशन है और एक मोशन है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये इसका ऑर्बिटल मोशन है सो दिस इज द स्पिन मोशन एंड दिस इज द ऑर्बिटल मोशन तो इलेक्ट्रॉन में मोशन है दो तरीके का इन दोनों मोशन की वजह से इट इंड्यूस इट इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज दी मैग्नेटिक इंडक्शन तो इन मोशंस की वजह से जो किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इट जनरेट्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ओके सो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा बी और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था उसको हमने कहा एच तो अब देखिए कैसे ये को रिलेटेड है तो एक जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जैसे ही हम मैग्नेटिक uh, फील्ड को अप्लाई करेंगे तो उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी कह रहे हैं और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एच जीरो कह रहे हैं तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी में जाने से पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं तो पहली टर्मिनोलॉजी है परमिबिलिटी परमिएबिलिटी जरूरी है हमें जानना इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो जो हम हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है सब्सटेंस में और जो हमने अप्लाई किया है इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का जो रेशियो होगा वो होगा परमिएबिलिटी ओके एंड नाउ द अनेदर टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द दिस म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट सो इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ओके सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इफ वी नो दिस इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन दैन वी कैन

इफ़ वी डिवाइड दिस वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बाई द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस दैन इट इज़ नोन एज मास और ग्राम ससेप्टिबिलिटी तो अगर हम इसको काई से हम दिखाते हैं अगर हम जो सब्सटेंस है अगर उसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को आ, उसकी जो डेंसिटी है उससे डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है मास ससेप्टिबिलिटी और ग्राम ससेप्टिबिलिटी और इसकी वैल्यू से हम कुछ पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है या आप कह सकते हैं इफ़ द ग्राम ससैप्टिबिलिटी और मास ससेप्टिबिलिटी हैज़ नेगेटिव वैल्यू देन द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है ससेप्टिबिलिटी की तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इफ़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी और मास ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव देन इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओके थर्ड काइंड ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज मोलर ससेप्टिबिलिटी काई एम्स हम इसे दिखाते हैं तो मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या है इफ वी मल्टीप्लाई मास ससेप्टिबिलिटी विथ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सबस्टेंस देन इट इज कॉल्ड एज दी मोलर ससेप्टिबिलिटी ओके सो काई इंटू एम इज द मोलर ससेप्टिबिलिटी सो यू हैड स्टडीड द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मास ससेप्टिबिलिटी एंड मोलर ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली इट इज डिफाइंड पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस सो इसको हम पर मोल ऑफ सब्सटेंस से डिफाइन करते हैं तीन तरीके की आपने ससेप्टिबिलिटी पढ़ी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अगर हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो ग्राम ससेप्टिबिलिटी और मास ससेप्टिबिलिटी और अगर हम मास ससेप्टिबिलिटी को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स मोलर ससेप्टिबिलिटी नाउ वी विल डिस्कस दी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म अब हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म को स्टडी करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम किसी सब्सटेंस को जिसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें जहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज एच जीरो ओके तो जैसे ही हमने सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस्ड और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा पी द डिफरेंस इन इन बिटवीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच ये जो डेल्टा एच होता है ये क्या होता है ये माइनस में हो सकता है और प्लस में हो सकता है क्यों क्योंकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अधिक हो सकता है या उससे कम हो सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इस पर डिपेंड करता है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन uh, में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं सो ये द डिफरेंस इन बिटवीन मैग इंड्यूस्ड मैगनेटिक फील्ड एंड दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू भी माइनस एच जीरो एंड दिस डेल्टा एच इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फोर पाई आई जहाँ पर आप देखेंगे आई क्या है पर दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सो ये इक्वेशन आपको मिली फोर पाई पाई इज इक्वल टू भी माइनस एच जीरो नाउ वी डिवाइड द इक्वेशन बाई एच जीरो एट बोथ साइड तो हमें इक्वेशन मिल गई देखिए फो फोर पाई आई अपॉन एच जीरो एंड आई अपॉन एच जीरो इज द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी सो दिस इज कप्पा सो फोर पाई कप्पा प्लस सुबह इज इक्वल टू बी अपॉन एच जीरो और अगर हम यहाँ से कप्पा कैलकुलेट कर लें क्योंकि इंड्यूसड मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास हो और इफ़ वी हैव द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैन वी कैन ईजिली कैलकुलेट गप्पा

बी का एच जीरो का तो अगर हमें ये पता होगा तो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो दो डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे वो हैं गॉयस मेथड एंड क्विंक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ मटेरियल्स के लिए क्या होता है कि B अपॉन एच जीरो जो रेशियो है यानी दिस इज़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो कापा क्या होगा पॉजिटिव होगा then it will be a paramagnetic substance मतलब जो induced magnetic field है वो अधिक होता है और applied magnetic field कम है तो इसका मतलब है कि ये paramagnetic substance है और कुछ materials के लिए क्या होता है b upon h zero की value one से कम होती है मतलब जो induced magnetic field है वो कम है और जो applied magnetic field है वो अधिक है so kappa will become negative and this kind of substances they are called as the diamagnetic substance

डाया ससेप्टिबिलिटी क्योंकि जो सब्सटेंस है उसमें कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो अगर उसमें दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी डाया ससेप्टिबिलिटी होगी एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी तो अगर हमें पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी हो सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू डाया मैग्नेटिज्म फ्रॉम द टोटल ससेप्टिबिलिटी दैट वॉज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पर पैरा मैग्नेटिक निकालने के लिए टोटल ससेप्टिबिलिटी में से डाया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शुड बी सब्ट्रैक्टेड Now यू कैन सी दैट इफ़ वी नो दी पैरा मैग्नेटिक सबिलिटी दैन वी कैन ईजीली कैलकुलेट दैल्यू ऑफ म्यू इफेक्टिव बिकॉज दिसकाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन थ्री आर टी वेर एन इज़ द एवागा नंबर टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट एंड म्यू इज़ द मैग्नेटिक मूमेंट सो म्यू मैग्नेटिक अगर हमें देखिए बच्चों अगर हमें ससेप्टिबिलिटी uh, पता है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं जो कि बोर मैग्नेटॉन में आएगा एंड वन बोर मैग्नेटॉन को हम जूल पर टेस्ला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इट इज़ इक्वल टू ईएच अपॉन फोर बाई एम ट okay, तो कर ली देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस ना कम टू द मैग्नेटिक मोमेंट अब हम ये देखें जो मैगनेटिक मोमेंट है म्यू जिसकी हमने बात करी वो म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया देखिए बच्चों और ये म्यू जो है वो दो वजह से हो सकता है जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी सब्सटेंस का इट इज़ रिलेटेड टू स्पिन एज वेल एज़ ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है और जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किस पर डिपेंड करता है एनर्जी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव जे लेवल्स जे लेवल अभी आपने पढ़े नहीं हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या अगर जिसने पढ़े हों वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जब वी कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट टर्म देन दिस इज द अ काइंड ऑफ क्वांटम नंबर ये क्या है एक तरीके का क्वांटम नंबर है जो कि टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है और इस टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर का जो पहला जो ए, जो एनर्जी लेवल होगा और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी दो सक्सेसिव जे लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट कि हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करें ओके okay? जनरली क्या होता है जो ग्राउंड स्टेट होती है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ऐसा कब होगा जब ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट है उसके बीच में एक बड़ा गैप होगा अगर गैप होगा तो केवल ग्राउंड स्टेट टर्म ही डिसाइड करेगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बट इफ़ दी एक्साइटेड स्टेट एंड दी ग्राउंड स्टेट्स आर क्लोजर अगर वो क्लोजर होंगे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट में भी सिग्निफिकेंटली पॉपुलेटेड तब क्या होगा जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो भी पॉपुलेटेड होगा और फिर हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें एक्साइटेड स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर आपको एक मैंने कुछ स्टेट्स दिखाई हैं जो एनर्जी लेवल से हैं यह आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू व्हेन यू स्टडी अबाउट दी कैलकुलेशंस ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग कन्फिग्रेशंस की जब आप ग्राउंड स्टेट टर्म पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा फिर आप ये देखिए ये एक स्टेट है ग्राउंड स्टेट टर्म फोर एंड अकॉर्डिंग टू दी जे uh, वैल्यूज़ ये जो है ये ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं ये क्या है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और अगर ये एनर्जी लेवल्स नज़दीक होंगे तो एक्साइटेड स्टेट को भी कंसीडर करना होगा फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट है इफ़ दे आर एट अ डिस्टेंट डिस्टेंस गैप अधिक होगा तो फिर आप देखेंगे क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेट है केवल वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताएगी किसी भी सब्सटेंस के तो ये कुछ नहीं है बच्चों दीज आर दी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ये जे की वैल्यू के आधार पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं ओके ये जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर दिखाई है देखिए ये जे वैल्यू तो अगर ये वैल्यू थ्री बाई टू है तो उसकी चार लेवल पॉसिबल हैं प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ़ एंड माइनस हाफ़ अगर ये फाइव बाई टू है तो आप देख सकते हैं एक होगी प्लस फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस हाफ़ माइनस हाफ माइनस थ्री बाई टू माइनस जैसे आप जानते हैं कि ऐसे एल की वैल्यू आप जानते हैं कि अगर एल की वैल्यू वन होगी तो एम एल की वैल्यू कितनी होती है प्लस वन से माइनस वन सिमिलर वे में जो जे की वैल्यू होती हैं अभी आपको मैं बताऊंगी जे की वैल्यू क्या होती है तो जे की वैल्यू जो होती हैं वो जितनी होगी तो प्लस जे से माइनस जे तक ये लेवल में टूट जाएगा जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं लेवल्स जो एनर्जी लेवल्स हैं वो टूट जाते हैं ओके okay? तो मैंने आपसे ये कहा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो गैप है एनर्जी गैप वो कितना है उस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक मोमेंट ओके तो अगर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है अगर उसके बीच का जो गैप है इट इफ़ इट इज़ लार्जर देन के टी क्या है थर्मल एनर्जी है जो 200 कि आसपास 200 किलो जूल किलोजूल के आसपास होती है तो ये किलोजूल मोल के आसपास होती है तो के टी बहुत छोटी है और जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है ठीक है मैं आपको डायग्राम से दिखा रही हूँ इस डायग्राम को आप देखिए देखिए बच्चों आपको केवल एनर्जी लेवल के बारे में जानना है ये जो पहला लेवल आपको दिख रहा है इसको मैंने जे डैश लिखा है और जो जो ये दूसरा लेवल लिखा है इसको मैंने जे डैश प्लस वन लिखा है तो ये ग्राउंड स्टेट है ये फर्स्ट एक्सटाइटेड स्टेट है तो ये एनर्जी गैप आप देखिए ये इतना है लेकिन जो के है वो देखिए छोटा सा है वो इस पूरे को कवर नहीं कर रहा है जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो गैप है एनर्जी गैप वो गेटी जो यानी तो थर्मल एनर्जी है उससे वो, वो जो थर्मल एनर्जी है वह बहुत कम है और जो गैप है वो बहुत अधिक है आप देख सकते हैं डायग्राम में गैप इतना है और थर्मल एनर्जी कम है ठीक है ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एल और एस कपलिंग बहुत स्ट्रांग होती अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे और एल एस की वैल्यू निकालते हैं कैपिटल एल स्मॉल एल वैल्यू को जोड़ के बनता है आप जानते हैं स्मॉल एल क्या होता है स्मॉल एल इज़ दी एज ए मुथल क्वांटम नंबर तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्मॉल एल जोड़ दें तो कैपिटल एल आ जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन की एस स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस अगर हम जोड़ दें तो कैपिटल एस आ जाएगी और फिर क्या होता है कि ये जो एल है और एस ये भी कपल कर जाते हैं तो ये जब कपल करते हैं तो एक नया क्वांटम नंबर जेनरेट करते हैं और वो क्वांटम नंबर है J. Okay? ठीक है आपको तो अगर ये जो ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर ये बड़ी है इसके बीच में गैप बड़ा है और के टी छोटा है तो क्या होगा एल और एस की कपलिंग हो जाएगी और ये किसके केस में होता है के, के केस में ओके तो लेंथ ऑइड का अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कहने वाली बात यह है कि इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथ ऑइड्स तो हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन जहाँ पर जी जो है वो लिं फैक्टर है और जी की वैल्यू होती है देखिए ये दिस इज द g की वैल्यू s एल एंड जे तीन क्वांटम नंबर से ये न्यू क्वांटम नंबर से ये एस मिलता है हमें जब हम स्मॉल एस को जोड़ते हैं मतलब स्पिन क्वांटम नंबर को जोड़ेंगे एल हमें मिलेगा जब हम स्मॉल एल को जोड़ेंगे और जे हमें मिलेगा जब हम एस और एल को जोड़ेंगे एस और एल में जब कपलिंग होगी तो हमें जे मिलेगा तो जी की वैल्यू ये होती है और जे की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फॉर एनी कन्फिग्रेशन तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको ये देखना है कि जो एक लैंथेनॉइड होगा उसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट करेंगे अगेन आई एम टेलिंग यू दैट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनॉइड्स दिस फॉर्मूला विल बी यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने जो म्यू है उसको म्यू जे लिखा है मतलब एल एस कपलिंग हो रही है और एक नया जो क्वान्टम नंबर है उसकी हेल्प से वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जे की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी जे की वैल्यू होती है एल प्लस एल से एस एल माइनस एस तक इसकी वैल्यूज होती है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो जे की वैल्यू एल माइनस एस लेंगे और अगर कोई कन्फिग्रेशन मोर देन हाफ फील्ड होगा तो जे की वैल्यू एल प्लस एस लेंगे और इस तरीके के सब्सटेंस जो होते हैं दी ओबे क्यूरी लॉ ये क्यूरी लॉ को आप पालन करते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताऊंगी कैसे हम लेंथेनोइड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रासियोडाइमियम एक एग्जांपल लिया है उसका थ्री प्लस जो आयन है उसका कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं तो अगर राशिय डायनियम दाए, दाए, पी आर थ्री प्लस अगर ये आ, क्या है थ्री प्लस अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर हो जो उसमें आएगा फोर एफ़ टू फोर एफ़ टू क्या है बच्चों इट इज़ लेस देन हाफ फील्ड देखिए अगर फोर एफ सेवन होता तो वो हाफ फील्ड होता अगर फोर एफ एट होता तो वो मोर देन हाफ फिल्ड होता ये क्या है फोर एफ़ टू सो इट इज़ लेस देन हाफ़ फिल्ड ओके अब आपको ये ध्यान रखना है मैंने आपसे कहा था कि अगर कन्फिग्रेशन लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो एल की वैल्यू हम क्या लेंगे जे की वैल्यू हम क्या लेंगे एल माइनस एस और अगर ये फोर एफ एट होता तो हम क्या लेते जे की वैल्यू एल प्लस एस लेते यहाँ पर कन्फिग्रेशन लेस देन हाफ फील्ड है तो हम जे की वैल्यू लेंगे एल माइनस एस अब देखिए जो एफ ऑर्बिटल है उसमें ये दो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हमने कर दिए हैं और यहाँ पर जो एम एल की वैल्यू होती है प्लस थ्री से माइनस थ्री होती है सेवन एफ़ ऑर्बिटल से ओके अब मैंने आपसे ये कहा कि कैपिटल एल हम कैसे निकालते हैं देखिए कैपिटल एल हम कैसे निकालते हैं जो इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो एल की वैल्यू है प्लस थ्री है और इस इलेक्ट्रॉन की जो एल की वैल्यू है प्लस टू है तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के एल की वैल्यू और इस इलेक्ट्रॉन के एल की वैल्यू जोड़ दूँ तो ये आ जाएगी कैपिटल एल सो ये कितनी हो जाएगी थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव तो कैपिटल एल कितनी आ जाएगी फाइव आ जाएगी एस कितनी आएगी बच्चों देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन है प्लस हाफ और इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन है प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा वन तो स्पिन क्या हो जाएगी वन तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को जोड़ दूँ तो कैपिटल एस आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉनों के एल को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा तो अब आप एल से हम क्या बता सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट को बता सकते हैं जैसे आप जानते हैं स्मॉल एल अगर जीरो होता है तो एस ऑर्बिटल होता है अगर वन होता है तो पी ऑर्बिटल होता है लाइकवाइज ये है एनर्जी लेवल्स कैपिटल लेटर से दिखाए हुए हैं तो एल इज़ इक्वल टू जब फाइव होगा तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा एच तो एनर्जी लेवल क्या होगा एच ओके तो स्टेट लिखना मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट जो एक चैप्टर है आपके कोर्स में जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेट लिखनी आएगी स्टेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर मैंने लिखी है मल्टीप्लीसिटी और मल्टीप्लीसिटी होती है टू एस प्लस वन तो टू एस प्लस वन एस इज इक्वल टू वन है तो टू एस प्लस वन कितनी हो जाएगी थ्री फिर हम लिखते हैं एल एल कितना है पाँच एल पाँच का मतलब है ये एच वैल्यू है तो यहाँ पर आ गया एच और फिर यहाँ पर आ गया देखिए जे की वैल्यू आ गई तो जे की वैल्यू मैंने आपसे कहा जब ये लेस देन हाफ फील्ड होता है तो जे की वैल्यू एल माइनस एस होती है एल की वैल्यू है पाँच और एस की वैल्यू वन तो ये कितनी हो गई फोर ओके okay? तो जे की वैल्यू कितनी हो गई है फोर ओके okay? पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि स्टेट हम कैसे लिखते हैं देखिए ये मैंने लिखा मल्टीप्लीसिटी ओके देन मैंने लिखा एल की वैल्यू और देन मैंने लिखा जे की वैल्यू ओके okay, तो मैंने आपसे ये कहा कि मल्टीप्लीसिटी यहाँ पर थ्री है देखिए एल की वैल्यू है एच देखिए एल जो है वो फाइव है ओके okay, तो ये हो गया एच और जे की वैल्यू मैंने आपसे कही कि ये क्या होगी एल माइनस एस बिकॉज इट इज लेस देन हाफ फील्ड तो ये क्या होगा फाइव माइनस वन सो इट इज इक्वल्स टू फोर तो यहाँ पर क्या गई जे की वैल्यू देखिए यहाँ पर आ गई जे की वैल्यू तो ये हो गई इसकी स्टेट ओके okay? तो अब जी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ऑलरेडी तो जी की वैल्यू आई फोर अपॉइंट फाइव तो हम फिर देखिए हमने देखा है फॉर्मूला जो म्यू है वो है जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को और आप देखेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई की फॉर्मूले से वो आएगी लगभग थ्री पॉइंट फाइव एट बी एम जबकि इसकी जो ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्री पॉइंट फोर से थ्री पॉइंट सिक्स बोर मैग्नीटोन है इसका मतलब ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर हैं आसपास हैं तो हम ये सही कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब लेंथेनॉइड्स की जो जो वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं म्यूज इज इक्वल टू जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन क्योंकि यहाँ पर जो के टी है वो बहुत छोटा होता है और जो डिफरेंस बिटवीन जो फर्स्ट स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट है वो अधिक होता है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं न सेकेंड अगर हम कंडीशन देखें तो आप ये देखेंगे जो फर्स्ट और एक्स जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है वो के टी से बहुत कम है देखिए के टी इतना अधिक है और डिफरेंस बहुत कम है तो एक कंडीशन ये है के टी मैंने आपसे कहा कि लगभग टू हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होता है थ्री हंड्रेड कैलविन पर थर्मल एनर्जी है और ये देखिए ये के टी बहुत अधिक है और ये डिफरेंस कम है तो इस केस में आप देखेंगे कि आ, यहाँ पर क्या कंडीशन होती है देखें यहाँ पर कोई भी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी मतलब स्पिन मतलब एस और ऑर्बिट मीन्स एल तो एल एस कपलिंग नहीं होगी इस लेकिन जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है अलग अलग हम लेंगे देखिए हम जब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे सब्सटेंसेस का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे म्यू एस प्लस एल म्यू एस प्लस एल मीन्स एस का भी कंट्रीब्यूशन है एल का भी कंट्रीब्यूशन है लेकिन ये दोनों कपल नहीं कर रहे जैसे इससे पहले की कंडीशन में ये कपल कर रहे थे और जे की वैल्यू से आप क्या निकाल पा रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट लेकिन यहाँ पर ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन ये दोनों कपल नहीं करेंगे तो कन दो देखिए फार्मूला बदल गया फार्मूला क्या हो गया अंडर रूड फोर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन पोर मैग्नीटॉन और ये फार्मूला जनरली किसके लिए यूज हो होता है फोर डी एंड फाइव डी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जहाँ पर एल और स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए और ये इस तरीके के सब्सटेंसेस दे ओबे क्यूरी लॉ नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ कंपेरेबल टू के टी और ये एक ऐसा कंडीशन uh, है जहाँ पर ये दोनों लगभग बराबर होते हैं यानी के टी और जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर होता है और इस तरीके के सब्सटेंसेज क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं और अगर हम एक और टाइप का ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को देखें जो कि थ्री डी सीरीज़ के होते हैं वहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता ऑर्बिटल मोशन मीन्स एल तो एल उसके फॉर्मूले में नहीं दिखाई देगा जो ऑर्बिटल मोशन है उसको रोक दिया जाता है उसकी क्विंचिंग हो जाती है तो उस रोकने की वजह से इस क्विंचिंग की वजह से क्या होता है कि ये आप देखेंगे जो भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम म्यूएस लगते हैं मतलब स्पिन ओनली तो ये जो फार्मूला है वो स्पिन ओनली फार्मूला कहलाता है और इसका जो फार्मूला है वो अंडर रूट फोर एस इंटू एस प्लस वन बोर मैग्नीटॉन और एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नीटोन का रूट ये एन क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं या हम कैपिटल एस लिख सकते हैं कि उसकी टोटल स्पिन कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी हम अगर हमें टोटल स्पिन पता लगे तो हम न्यू स्पिन फार्मूला से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस थ्री डी सीरीज के जो होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ आई विल समेराइज द लेक्चर इस लेक्चर को समेराइज़ कर रही हूँ इसमें हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होती है इसमें आपने दो टर्म पर है स्पिन एंड ऑर्बिटल सो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की देन आपने पढ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म और इसमें आपने पढ़ा परमिबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ससेप्टिबिलिटीज़ और आपने देखा कि जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को तो किसी सब्सटेंस में ये बी कम होता है और किसी में बी अधिक होता है जिनमें बी अधिक होता है वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और जिनमें बी कम होता है वो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जनरली एक्सपेरिमेंट से जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम मेजर करते हैं एंड इफ यू नो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी कैन ईजिली मेजर दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ़ दी सब्सटेंसेज और अगर मैग्नेटिक हम, मोमेंट हमें पता होगा तो हम उसमें नंबर ऑफ अनबियर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फार्मूलाज हैं डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साइंस से हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस कैसा होगा सो इफ़ दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव दैन द सब्सटेंस इज़ पैरा मैग्नेटिक एंड इफ इट इज़ नेगेटिव दैन इट इज़ डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड आपने देखा कि अगर हमें uh, uh, क्या पता हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता हो तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फिर आपने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम डिफरेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो ये इस तरीके के सब्सटेंस जो लेंथ हैं उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जहाँ पर आप देखेंगे एल और एस की कपलिंग होती है और वो मिलके एक नया क्वांटम नंबर जनरेट करते हैं जे और जो म्यू जे है वो जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन इसकी हेल्प से हम लेंथेनॉइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग अलग फार्मूला से हमको कैलकुलेट करना होता है अगर वो सब्सटेंस फोर डी और फाइव डी सीरीज़ का मेंबर होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट इस फार्मूला से करेंगे म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू अंडर वुड फोर एस इंटू एस प्लस वन एन प्लस एल इंटू एल प्लस वन एंड अगर सब्सटेंस थ्री डी सीरीज़ का होगा तो फिर डिफरेंट फॉर्मूला से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ पर एल टर्म हट गया एल uh, टर्म डिसअपियर हो गया क्योंकि जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी क्विंचिंग हो जाती है वो रोक दिया जाता है इसलिए केवल स्पिन का ही कंट्रीब्यूशन uh, होता है थ्री डी सीरीज़ में इसलिए जो फार्मूला है उसमें आप देखेंगे केवल एस का यूज़ है और म्यू एस इसको हम दिखाते हैं इसको हम लिखते हैं म्यू स्पिन एंड इट इज़ इक्वल्स To under root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons present in the substance. This is all about uh, this lecture. Uh, in the next lecture, we will discuss about the methods for determination of magnetic susceptibility. So thank you very much.